हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों को सीक्रेट्स बताऊंगी। कुछ ऐसे सीक्रेट्स मैं आपको बताऊंगी जिससे फ्रेंड्स आप लोगों के बच्चों को चाहे ऑटिज़म हो या ADHD हो उसकी रिकवरी जो है वो फास्टर हो जाएगी और अपने आप से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्यों आपके बच्चे ठीक नहीं हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पर कमी रह रही है। तो फर्स्ट सीक्रेट जो होता है फ्रेंड्स, जैसे कि अगर 100 बच्चे आते हैं मेरे पास तो उसमें से 80% बच्चे इम्प्रूव होते हैं, ठीक होते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम से बाहर आते हैं। ठीक है, अब इन बच्चों के क्या क्या सीक्रेट्स हैं, क्यों ये बच्चे ठीक होते हैं। जो फर्स्ट सीक्रेट होता है फ्रेंड्स की, वो ये होता है फ्रेंड्स की दे बिलीव ऑन देयर थेरेपिस्ट, दे बिलीव ऑन देयर डॉक्टर। फर्स्ट डे बच्चा मेरे पास आया, मुझे समझ में आ गया फ्रेंड्स कि अब उसको क्लासिकल थेरेपी चाहिए या फिर उसको कंडीशनल थेरेपी चाहिए। ठीक है, उसको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर वाली थेरेपी चाहिए। फर्स्ट डे मुझे समझ में आ जाता है, अगर वो चाहे बच्चा 2.5 साल का हो, 6 साल का हो, 8 साल का हो, 13 साल का हो, 1.5 साल से लेकर 13-14 साल तक के बच्चे आते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स उस अकॉर्डिंग मैं थेरेपिस्ट अलॉट करती हूँ, उस अकॉर्डिंग मैं उस बच्चे को देखना शुरू करती हूँ। ठीक है, अब क्लासिकल थेरेपी क्या होती है। क्लासिकल थेरेपी फ्रेंड्स ये होती है कि क्लासिकल थेरेपी में बच्चों को सिर्फ और सिर्फ बहुत प्यार प्यार से कराया होता है, लेकिन क्लासिकल थेरेपी में बच्चे को कंफर्ट जोन के अंदर ही कराया जाता है मॉडिफाई करके। ठीक है, लेकिन इसका सक्सेस रिकवरी रेट सबसे लोएस्ट होता है। टू बी वेरी फ्रैंक, जितना बच्चे को प्यार प्यार से कराएंगे, जितना उसके अकॉर्डिंग कराएंगे, जितना एक्टिविटीज़ को चेंज करते जाएंगे, उतना लेस देयर इज़ द सक्सेस रेट, लेस इज़ द रिकवरी रेट, लेस इज़ द इम्प्रूवमेंट रेट। सबसे ज़्यादा जो रिकवरी होती है, जो पूरे 100% ठीक होते हैं, 2.5 साल से लेकर अगर 6 साल तक का बच्चा है और उसको मैंने अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करके कराया, वो कह रहा है मुझे स्टार एक्टिविटी करनी है, लेकिन मैंने उससे बोला नहीं तुम पहले शेप एक्टिविटी करोगे। वो कह रहा है अगर मुझे फ्रूट्स पहले करने हैं तो मैं कहूँगी नहीं पहले आप वेजिटेबल्स कर लो। वो कहेगा पहले मैं स्पीच थेरेपी कर लूँ, मैंने कहा नहीं तुम पहले राइटिंग कर लो। इस तरीके से अगर मैं उसका पहले दिन से एक्यूप्रेशर पॉइंट से मोल्ड करना उसको मैं सिखा देती हूँ 2.5 साल में, तो वो 4-4 साल तक ठीक हो जाता है। और ठीक होने के साथ उसको ये पता होता है कि सोसाइटी मुझे बाहर कैसी मिलेगी, फर्स्ट क्लास में मुझे 7 आवर्स बैठना पड़ सकता है, KG में मुझे बैठना पड़ सकता है, मुझे अपने पेरेंट्स के बिना रहना पड़ सकता है, मुझे कैसे सेटल करना है, एनवायरनमेंट इज़ नॉट द सेम, हर जगह मुझे कोई सॉफ्ट बंदा नहीं मिलेगा, हर जगह मुझे कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो मेरी सारी ज़िद मानेगा कि चाहिए तो चाहिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट सीक्रेट कि आप लोगों को जैसा आपका डॉक्टर कह रहा है, जिस टाइप की थेरेपी चाहिए, जिस अकॉर्डिंग थेरेपी चाहिए रिकवरी के लिए, वैसा आप करें। ये देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द थेरेपी सेंटर एंड द कंफर्ट जोन और द फन जोन एरिया। यू कैन से मॉल्स में जितना मर्जी बच्चे को ले जाइए, पार्क में ले जाइए, वहाँ पे मन मर्जी का जितना मर्जी करिए, लेकिन प्लीज़ 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 आप थेरेपी सेंटर्स में जैसा डॉक्टर करा रहा है आपको बच्चे को मोल्ड करके, ठीक है, उसकी इंस्ट्रक्शंस बच्चे को फॉलो करना सिखाइए। वहाँ पे ऐसा ना हो कि नहीं मैम बच्चा रो रहा है इसको ये एक्टिविटी करने दीजिए, नहीं मैम फिर वो भी वही हो जाएगा, उसका जो 1 आवर पूरे दिन में 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा मिला है जिसमें हम उसके माइंड को एक्यूप्रेशर पॉइंट से स्टिमुलेट करते हुए ये सिखा रहे हैं कि यू हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट अपने मम्मी पापा के अकॉर्डिंग, अपने टीचर के अकॉर्डिंग बेटा तुमको चलना है, तुमको पूरी दुनिया तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। तो दिस इज़ द फर्स्ट सीक्रेट जिन लोगों के पेरेंट्स 100% रिकवरी रेट तक गए हैं। द सेकेंड सक्सेस रेट इज़, भले ही हम कितनी मर्जी एक्यूप्रेशर थेरेपी करें, सीड्स लगाएं, सक्सेस सीक्रेट जो है वो यही है फ्रेंड्स कि चाहे कितना भी हम लोग थेरेपी में सीड्स लगाएं, लेकिन जो बच्चे के पेरेंट्स रात में चने की दाल सी पॉइंट्स पे लगाते हैं, 30-30 डेज वाले प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, वही पे पेरेंट्स जो हैं, वही बच्चे जो हैं 100% रिकवरी रेट तक इम्प्रूव हुए हैं, उन्हीं की अपने आप चाहे थेरेपी सेंटर्स में जा रहे हैं या थेरेपी सेंटर्स में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, उन्हीं बच्चों में 100% रिकवरी मैंने देखी है। ठीक है फ्रेंड्स, कोशिश करिए फ्रेंड्स कि जो भी आप लोगों को होम प्रोटोकॉल दिया जा रहा है उस पर आप करिए, फिर चाहे वो कलर थेरेपी का प्रोटोकॉल हो, ब्लू ग्रीन ग्लास बॉटल वाटर पिलाना हो, स्प्रे करना हो, चना दाल लगाना हो, बिंदी लगाना हो, लेवेंडर ऑयल मसाज हो, एलमंड ऑयल मसाज हो। सो दिस इज़ द सेकेंड सीक्रेट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चाइल्ड्स रिकवरी। अब थर्ड सीक्रेट कौन सा है। थर्ड सीक्रेट फ्रेंड्स ये है कि चाहे कोई भी डॉक्टर के पास आपने असेसमेंट कराया हो, ठीक है, अगर आपके साइकेट्रिस्ट हो, कोई भी आपका डॉक्टर हो जिसको भी आपने अपने बच्चे को दिखाया हो, लेकिन फ्रेंड्स आपके बच्चे को अगर उसने कोई भी टॉनिक दिया है, फिर चाहे वो आयरन हो, कैल्शियम हो,
जिंक हो, फिश ऑयल हो, कार्नोसिन हो, इवन अगर उसको कुछ एलोपैथी भी दिया गया है जैसे रिस्पेरिडोन हो, सीजोडोन हो, अगर कुछ ऐसे भी ड्रग्स उसे दिए गए हैं तो प्लीज़ आप उसको सिर्फ लोगों के कहने पे कि नहीं एलोपैथी नहीं देना चाहिए, ये न्यूट्रासूटिकल्स नहीं देना चाहिए, कैल्शियम नहीं देना चाहिए, होम्योपैथिक नहीं देना चाहिए, ऐसा ना करें। एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, एवरी चाइल्ड हैज़ डिफरेंट सिम्टम्स। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे भी आते हैं जो 100% ठीक हैं और वो 0.5 ml रिजनिया या सीजोडॉन ले रहे हैं, बट दे आर 99-100% इम्प्रूव्ड, लेकिन क्योंकि उनको ज़रूरत है। ठीक है, अब बीपी, अगर आपको ब्लड प्रेशर हो गया है, ठीक है, तो आप अगर ब्लड प्रेशर से आप पता है कितनी सारी मेजर बीमारियां हो सकती हैं, आपको स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, अब आप वो प्रेफर करेंगे या फिर आप ये सोचेंगे कहीं बीपी की गोली से हमें कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कुछ बच्चे, सारे बच्चों को नहीं कहूँगी, 10-20% बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी रेस्टलेसनेस, हाइपर एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें कुछ एलोपैथी की ज़रूरत पड़ जाती है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग, आप उनकी जो भी अपने डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है, आप उनकी बात को मानिए। क्योंकि ऐसे भी मेरे पास बच्चे आते हैं जो 2-3 साल में जिनको रिजनिया या सीजोडॉन दिया गया था, लेकिन अब वो 8 साल के हैं, उन्होंने लोगों के कहने पे नहीं दिया कि साइकेट्रिक मेडिसिन नहीं देते, लेकिन अब वो सिवियर हो गए हैं, सिवियर हाइपर एक्टिविटी इशूज़ हो गए, सिवियर केसेज, और सिवियर केसेज आर अनेबल टू गेट हैंडल्ड आफ्टर द एज ऑफ 6 ईयर्स, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, सिवियर अगर आपका बच्चा हो गया, उसके माइंड में बिल्कुल स्थिरता ही नहीं है, वो सुनना चाहता ही नहीं, बाइटिंग, बीटिंग, तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखिए। इससे बड़े कोई आप लोगों के लिए, इससे बड़े कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि बच्चा सिवियर केस है? इससे बड़ा कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता, है ना, कोई भी इससे बुरा नहीं हो सकता। तो जब डॉक्टर कुछ करता है, आप उसको भले ही दीजिए या ना दीजिए, लेकिन 3-4 डॉक्टर से आप परामर्श ले सकते हैं, आप 3-4 डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना कि इस पेरेंट, किसी ने बोल दिया कि नहीं इससे तो भैया हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है, आयरन से ये होता है, होम्योपैथी से ये होता है, किसी, अगर आपके बच्चे को आपको ठीक करना है तो फेथ लेके आप चलिए, सारे प्रोटोकॉल्स आप फॉलो करिए। अगर आपको कोई भी ऐसा बोलता है कि नहीं इससे ये होता है या इससे ये होता है, आयरन नहीं देना चाहिए, कार्नोसिन तो भैया हाइपर करता है, फिश ऑयल ज़्यादा नहीं देना चाहिए, तो फिर आप उन्हीं से पूछेंगे कि ठीक है, आई विल नॉट डू दीज थिंग्स, आप मुझे बताइए कि मैं अपने बच्चे को कैसे ठीक करूँ, बट आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई चाइल्ड, आई वॉन्ट टू ब्रिंग माई चाइल्ड आउट ऑफ द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। फाइन, नेक्स्ट सीक्रेट इज फ्रेंड्स बिहाइंड इज द अडेप्टेशन। अगर बॉडी चाहे वो एक टॉनिक हो, ठीक है, अगर आप एक ही टॉनिक बार बार दे देंगे तब भी बॉडी अडेप्ट कर लेगी और रिकवरी नहीं होगी, एक ही थेरेपी चलेगी तब भी बॉडी एक्टिव अडेप्ट कर लेगी, एक ही टाइप की एक्टिविटीज़ कराएंगे तब भी बॉडी अडेप्ट कर लेगी, रिकवरी आगे नहीं आएगी, एक ही टाइप की स्पीच कराएंगे तब भी बॉडी अडेप्ट कर लेगी, ओरो मोटर एक्सरसाइज, ओटी, बियर वॉकिंग या फिजिकली सिर्फ कराते रहेंगे ओटी में, तब भी रिकवरी वहीं पे रुक जाएगी। तो ये ध्यान रखिए आपका मोटो क्या है, वर्क ऑन द मोटो और गोल। अगर बच्चा 4 साल से ऊपर का हो चुका है, आप लोग नर्सरी में डालने का सोच रहे हैं, केजी में डालने का सोच रहे हैं, फर्स्ट में डालने का सोच रहे हैं, तो सोच लीजिए कि आप फिजिकल एक्टिविटीज़ वाला काम नहीं करना है। हमारा मकसद क्या है लाइफ का, मकसद है हमें स्कूल भेजना, अगर बच्चे को ठीक करना है तो कभी ना कभी तो स्कूल भेजना है कि नहीं भेजना है। फिर बियर वॉकिंग हो या लैडर क्लाइंबिंग हो या जंपिंग हो या ट्रैम्पोलिन हो या स्विंग्स हो, वो सारी ट्रेनिंग देनी है दे दीजिए, नहीं देनी मत दीजिए। द फाइनल एम इज सिटिंग, सिटिंग टॉलरेंस कम से कम 1-3 घंटे हमें करानी है, सिटिंग वाली सारी एक्टिविटीज़ करानी है, ड्राइंग 1 आवर, राइटिंग पे मिनिमम फोकस करते हैं, लेकिन जो लोग सबसे ज़्यादा फोकस राइटिंग, स्टोरी टेलिंग और सिटिंग एक्टिविटीज़ पे करते हैं वही बच्चे पूरी तरह ठीक होते हैं। जिनके पेरेंट्स सुबह शाम 1-1 घंटा सिर्फ उनके सामने बोलते हैं, उनके कान में 1,00,000 वर्ड्स डालते हैं, साथ साथ स्पीच एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे काम करते हैं, सिर्फ वही बच्चों की स्पीच आती है, बाकी बच्चे जिनके कान में 1,00,000 वर्ड्स गए ही नहीं वो नॉन वर्बल रह जाते हैं। नेक्स्ट सीक्रेट इज ओरो मोटर एक्सरसाइज से सिर्फ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है, ओरो मोटर एक्सरसाइज से एपरेक्सिया ठीक नहीं होता है और ओरो मोटर एक्सरसाइज से स्पीच नहीं आती है, टू बी वेरी क्लियर। तो ये सारी जो चीज़ें थी, सारे जो सीक्रेट्स थे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ, ताकि अगर आप लोगों के बच्चों की रिकवरी नहीं आ रही है तो इन सीक्रेट से आप लोगों को हेल्प मिलेगी,
फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस, फॉलो द टाइप ऑफ थेरेपी योर चाइल्ड नीड्स, वेदर इट इज़ इन द कम्फर्ट जोन और आउट ऑफ कम्फर्ट जोन. Encourage your therapist that the therapy should be according to the therapist, according to the teacher, according to the parent, but not according to the child. Any activity should be chosen not at all according to the child. Usko surroundings or environment ya society mein hum dhalenge, lekin usko hum nahi dhalenge uske according. Writing zyada se zyada karayenge, goal oriented kaam karenge, sitting tolerance wali activities zyada karayenge, eye contact concentration wali karayenge. कोई भी टॉनिक दें या ना दें, हमारा एम है सिर्फ रिकवरी. तो इसलिए दूसरों की बातें नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमारा जो बच्चा है हमें उसको ठीक करना है. हम अपने थेरेपिस्ट, कोई भी डॉक्टर हो, हम अपने डॉक्टर की एडवाइस सुनेंगे. अगर किसी ने कह दिया कि नहीं इस टॉनिक से ये होता है, इससे ये होता है, रिजनिया नहीं देनी चाहिए, सीजोडोन नहीं देनी चाहिए, लेकिन आप ये सोचिए कि बहुत लोग तो बीपी की दवाई भी नहीं खाना चाहते. उसके बाद जब स्ट्रोक या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसके बाद उन्हें डॉक्टर कहता है ना कि आप लोगों को इसमें ये खानी है, एक गोली अगर खा लेते आप स्ट्रोक के अटैक से बच जाते. तो इसी तरह चीज़ें होती है, छोटे छोटे टॉनिक होते हैं, छोटी छोटी गोलियां. कई बार आपका साइकियाट्रिस्ट सोच समझ के लिखता है, लेकिन आप उसको अवॉइड करते हैं. और इसका ये रीज़न होता है कि मेरे पास बहुत ही मेंटली चैलेंज्ड ऐसे ऐसे केसेस बिगड़े हुए बहुत ज़्यादा आते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ढाई या तीन साल में शुरू में जब डॉक्टर ने बोला था कि आप थोड़ी सी ये डोज ले लीजिए, हमने नहीं ली क्योंकि हमने ये सुना है कि एलोपैथी के तो नुकसान होते हैं. और एक्यूप्रेशर क्योंकि हम परफॉर्म रेगुलर नहीं करते हैं, इसलिए हमें पता ही नहीं कि एक्यूप्रेशर से बच्चे ठीक होते हैं. न्यूट्रासूटिकल्स, आयरन, कार्नोसिन, ये सब के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, इसलिए हम ये भी नहीं देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता न्यूट्रासूटिकल से बेनिफिट होता है कि हार्म होता है. होलिस्टिक थेरेपी के बारे में भी आप लोगों को अगर कम नॉलेज है तो अब उससे भी आप बचते हैं. इसलिए प्लीज़ लिसन टू योर माइंड, प्लीज़ लिसन टू योर ब्रेन, वॉट यू हैव टू डू एंड हाउ यू अचीव रिकवरी ऑफ योर चाइल्ड. होप यू लाइक माई वीडियो. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.